हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है हेयर ग्रोथ के ऊपर। तो अगर आप बालों को ग्रो करना चाहते हैं, बालों को ठीक करना चाहते हैं, बालों को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टू स्टेप एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ रेमेडीज दिखाऊँगी, जिसमें कि फर्स्ट होगा आपका एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल और दूसरा सेकेंड जो स्टेप होगा वो एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ पैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके कि 30 डेज़ में ही आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो 30 डेज़ में ही आपको जो है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है। यानी कि 1 मंथ तक आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको आपके बालों की बहुत सारी परेशानियाँ, आपके छोटे बाल जो है तो वो बहुत ही घने लंबे हो चुके होंगे, और आपके बालों की जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है या वाइट हेयर है, तो वो सारी परेशानियाँ इस हेयर ऑयल से, इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ जो चैलेंज है, उससे जो है कि आपकी हेयर पर सारी परेशानियाँ गायब होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सके। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे जो है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अलग अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ जो चैलेंज है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने रेड कलर के प्याज लिए हैं, और ये जो है तो प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो है तो बहुत ही अच्छे से हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को टूटने से बचाता है, हमारे बालों को पोषण देता है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाता है। इसमें ये बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है। हमारे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे भी ये बचाता है, बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है, चमकदार बनाता है, और कंडीशनर का काम भी ये करता है। इसीलिए हम इसमें जो है तो ओनियन का यूज़ करने वाले हैं। ये प्याज को हमने काट लिया है, और काट कर इसे मिक्सी में पीस कर अच्छे से फाइन पेस्ट मैंने यहाँ पर बना ली है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है करी लीव्स, यानी कि करी के पत्ते। तो करी पत्ते जो है तो हमारे भोजन में भी तो स्वाद बढ़ाते ही है, लेकिन हमारे बालों के लिए जो है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे जो है तो इसमें B1, B3, B9, कैल्शियम, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी होता है और बीटा कैरेटीन भी होता है, जिससे कि बाल हमारे जो पतले बाल हैं ना, वो घने हो जाएंगे। आपके बालों का जो नुकसान वगैरह होता है धूप से, तो उसे भी ये बचाता है, और हमारे बालों को जो है तो नया जीवन ये प्रदान करता है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ हमारे बालों की जड़ें जो है मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारा हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए एक कटोरी मैंने यहाँ पर करी के पत्ते यूज़ किए हैं। करी के पत्ते भी इसमें डालकर मिक्सी में हमने दोनों को साथ में अभी पीस लिया है, और अच्छे से इसकी फाइन पेस्ट हमने बना ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको हमने जो है तो पीस लिया है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर साबित होगा। हमारे बाल जो है, आपके बाल अगर टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो इससे जो है तो हमारे बालों का नुकसान बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में कोकोनट ऑयल का यूज़ ले लिया है, और दूसरे जो है तो वो मैंने सरसों का तेल लिया है। यहाँ पर हम दो प्रकार के ऑयल का यूज़ करने वाले हैं, ये कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल। तो यहाँ पर एक कटोरी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी में दोनों को भी हमने साथ में ही लेना है, कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल। इसमें जो है तो हम अच्छे से साथ में लेंगे तो हमारे बालों की बहुत सारी परेशानियाँ इससे कम होने वाली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, और पैन में यहाँ पर मैं दोनों ऑयल को जो है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे, कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेयर फॉल को कम करता है, और वाइट हेयर आपके अगर हो रहे हैं तो उसे भी ये कम करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है तो कढ़ाई में दोनों, एक पैन में या कढ़ाई में दोनों को डाल दिया है, और ये जो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही हल्का सा गर्म हुआ है फ्रेंड्स, तभी हम जो है तो इस मिश्रण को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस की जो फ्लेम है मैंने बहुत ही स्लो रखी हुई है, एकदम से धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा आंच अगर आप रखोगे तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर धीमे आंच पर हम क्या करेंगे, इस तेल को पकाएंगे, और इस पर जो है तो चम्मच से हमें चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। और इस तरीके से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से ये जो है तो ऑयल छोड़ने लगा है, और जब ऑयल और ये मिक्सचर है अलग अलग हो जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो अब यहाँ पर ये फाइनल हो चुका है और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इस तरीके से ये ऑयल रेडी हो चुका है। अब इसे हम छन्नी से या कपड़े की हेल्प से छान लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में, बाउल में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 मंथ तक इजीली स्टोर होता है फ्रेंड्स, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू जो है तो वो बहुत ही धीमी धीमी आती है। अब इसको जो है तो हमें हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है फ्रेंड्स, हफ्ते में 3 बार इसको, 2 से 3 बार आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और लगाने के बाद हमारे स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करनी है और इसे जो है तो हम ओवरनाइट तक छोड़ देंगे। ओवरनाइट तक अगर आप छोड़ेंगे तो आपको जो है तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी दिखाई देंगे और बहुत ही फास्ट हमारी हेयर की ग्रोथ होगी। 1 मंथ के बाद आप अपने ही बालों को देखकर बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आपको इसके दिखाई देंगे। अच्छे से हम इस तरीके से मसाज करेंगे और सवेरे उठकर किसी माइल्ड शैम्पू से हम इसको धो डालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिएगा, आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे होंगे। अब इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का दूसरा जो स्टेप है वो है एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ पैक। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑयल हमने बनाया था और इसका जो लेफ्ट ओवर ये बच जाता है, जो कि ओनियन और करी लीव्स का होता है, जो हमने ऑयल निकाला था और ऑयल से जो लेफ्ट हो जाता है, जो मिक्सचर है, उसको हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखने वाले हैं। और ये मिक्सचर जो है तो इसको हम हफ्ते में 1 बार हमारे बालों पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिएगा। और इसको जो है तो हम क्या करेंगे, जब हमें हमारे बालों पर लगाना है तब बाउल में इसको निकाल लेंगे हमारे बालों के अकॉर्डिंग। और इसको जो है तो हमें दही के साथ मिक्स करना है। अगर आपको दही सूट नहीं होता है तो आप इसे एलोवेरा जेल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और ये हमारा हेयर पैक रेडी हो गया है। अब इस हेयर पैक को हम हमारे स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से लगाएंगे और इसको जो है तो हमारे हेयर के लेंथ तक हमें अप्लाई करके छोड़ देना है। अप्लाई करने के 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इसको गर्म पानी से पहले धो लेंगे, गर्म पानी से वॉश कर लेंगे और बाद में जो है तो हम शैम्पू का इस्तेमाल करके हम इसको अच्छे से इसको धो लेने वाले हैं। और ये जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट आपके जो है तो 1 महीने तक अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो तब जाकर आपको जो है तो इसका बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिलने वाला है। हेयर ऑयलिंग हफ्ते में आपको 2 से 3 बार करनी ही है और हेयर पैक आपको हफ्ते में 1 बार अप्लाई करना है। 1 महीने के बाद बालों में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे और आप स्पेशली आपके बाल इतने लंबे घने मजबूत बन जाएंगे जो देखकर आप खुद भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये जो हेयर की ट्रीटमेंट है ये स्पेशली हेयर ग्रोथ के ऊपर है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे घर पर ज़रूर अप्लाई करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और ट्राई करने के बाद आप जो है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।